हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो यस सर, अगर आप लोगों को याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में मेरे को विलेज मिल गया बट एंड दी एंड में मर गया था, तो उसको इग्नोर करो और आज हम आपको टूर देता हूँ अपने विलेज का। भाई मैंने थोड़े बहुत चेंजिंग्स की है, आपको सब दिखाता हूँ, तो फटाफट से भाई लेट्स गो। सबसे पहले चेंजिंग तो आप ये देख लो भाई, क्योंकि मेरा पूरा आर्मर है वो भी आयरन का। आप लोग सोच रहे हो कहाँ से मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, अभी आपको बताता हूँ। तो ये देखो भाई, दिख रहा हूँ ना एकदम जक्कास। तो चलो भाई आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे लावा पूल आपको दिखेगा, एंड उसके उस साइड दिखेगा आपको फार्म जिस पे मैंने कब्ज़ा कर लिया है। भाई कब्ज़ा उनके लिए किया है जिसका ये फार्म था। तो चलो इस साइड आते ही ये है विलेजर्स का घर, इस पे भी मैंने कब्ज़ा कर लिया है। कब्ज़ा करके इसमें अपना स्टोरेज सामान बना लिया। भाई ये देखो सब कुछ खाली है भाई, ये देखो, और ये है खाली और ये वाला भरा हुआ है, क्योंकि भाई इस पे मैंने थोड़ा बहुत सामान अपना रखा है, जैसे कुछ आयरन्स और कुछ जो है ना पेड़ के मतलब प्लैंक्स हो गए, और अपने ये सारे कैरेट वगैरह सब्जी वब्जी जो भी मेरे साथ थी सब रख दिया है। बाकी सब छोड़ो, ये तो हो गया, अभी जो है ना चलते सीधा फटाफट से आपको और आगे का टूर देने के लिए। तो भाई इस साइड आते ही आपको दिखेगा मेरा प्यारा सा शीप्स का फार्म, जिसमें मैंने भाई इनको डाई दे के इनके रंग बदल लिए, जैसे ये मेरी पिंक शीप, और इसके बाद इधर आती है ये मेरी येल्लो ऑरेंज शीप, और ये ग्रे, और ये रेड कहते हैं ना लाल को, हाँ रेड, और ये वाली वाइट होगी। तो ये सब मेरे पास है। और इधर आते हैं, ये थे दो फार्म जो लास्ट वीडियो में आपने पता नहीं देखा हो गया, मैंने भी पूरा नहीं दिखाया था विलेज, लेकिन आज दिखा रहा हूँ। तो इसको मैंने डबल कर दिया, मतलब दोनों को एक साथ करके बना लिया। इधर ये टल्ली बजाओ, और आप लोग भी सब्सक्राइब करके टल्ली बजा दो। तो ये देखो भाई, इधर एक घर था उसको मैंने सारा तोड़ दिया, उसके जगह मैंने आपका अलग सा जो है ना बिल्ड बना लिया। इधर है भाई ये देखो ढेर सारे विलेजर्स, और सारे विलेजर्स यहीं पे है, तो मतलब ये एक तरह टाइप का जो है ना अपने आयरन गोलम का फार्म जो होता है ना, आयरन गोलम फार्म, उसका काम कर रहा है। देखो दो दो आयरन गोलम हुए यहाँ पे स्पॉन, इसको साथ में यू करता हूँ और फिर इसको दूर से ही मार देता हूँ। यू एह साला, ये बात इस तरह, चलो चल के फिर इनको मारता हूँ। भले मेरे भाई देखो फ्री का सामान है तो उठा ले भाई, टूर भी दे दिया, आयरन कहाँ से माइन करता हूँ वो भी दिखा दिया। तो ये देखो भाई, फिर आते ये हमारे सारे ट्रेडर्स। भाई ये कौन सा था, अच्छा ये वाला भाई, ये ओके, ये भी नहीं है तो वही है ना, अच्छा साला भाई ये नल्ला है, ये वाला होगा अपना, हाँ भाई ये देखो, इससे मैंने शॉट ले ली थी अपने आयरन की। भाई इसने मस्त पॉलिश जो है ना शार्पनिंग टू एंड ब्रेकिंग टू और लूटिंग वन दे रहा है, तो मैंने इसको भाई बोला तू रुक जा। और इधर आते हैं फ्लेचर, जिनको साथ मैंने ट्रेड की, बहुत ज़्यादा ट्रेड की उसके साथ, फिर मेरे को ये मिल गया। अभी इसके बाद आते हैं अपना ये वाला, बेटे तू मेरे से नहीं बचेगा भाई, ये ले, अरे इधर आ, अच्छा चला गया। देखा तो इस तरह मेरे को आयरन भी मिलता है, और वो आयरन फिर मैं इनके साथ ट्रेड कर देता हूँ। यार तुम लोग को क्या पता किधर गए वो आर्मर वाले, अभी के लिए वो ट्रेड करेंगे एमरल से, लेकिन बाद में मेरे को पता है वो आयरन लेके हम लोग को एमरल देते किधर गए। भाई ब्लास्ट फर्नेस तो यहीं पर लगा है भाई, ये जितना से भी आप लोग सामान देख रहे हो ना, ब्लास्ट फर्नेस और ये वाला ये अपना प्यारा सा विलेजर है, जिसके मैं बाद में अपग्रेड करूँगा, उससे आर्मर लूँगा। ये देखो अभी के लिए मेरे को पेंट और लेगिंग्स दे रहा है, लेगिंग और पेंट दोनों तो एक ही चीज़ हो गई यार, बूट्स दे रहा है। तो फटाफट से भाई ये अपना फ्लेचर है, ये आपको तो एक बार मैंने दिखा दिया है। अभी जाते हैं दूसरे विलेजर्स के तरफ, और ये देखो इनके जिस तरह यार, हट जाओ भाई बड़े बदतमीज़ हो। तो हमें ये कह रहा था, देखो इनके साथ जो ट्रेड करता हूँ वो सारी इधर ही रहता है मेरा। तो फटाफट से भाई ये एमरल मेरे साथ है, अभी जाते हैं फटाफट से। आज की इस वाले वीडियो में भाई देखो विलेज मिल गया, अपने को घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने विलेजर्स के लिए घर बना दिए, विलेजर्स मेरे साथ सेफ है और बाकी भी सही है। वैसे भाई मैं बताना ही भूल गया कि मैं यहाँ पे आया क्यों। भाई अभी मैंने जस्ट जो है ना ध्यान दिया कि रिकॉर्डिंग भी बंद चल रही थी, और मैं बताना भी भूल गया था, बाकी वीडियोज चेक कर ली मैंने कि उसमें मैंने ये कहा ही नहीं कि भाई मैं आज की इस वाली वीडियो में डायमंड के माइनिंग पे जा रहा हूँ। तो फटाफट से भाई चलते सीधा, भाई रुक जाओ मेरे पास सब कुछ है भाई, टॉर्च भी लगा लेते हैं इधर, क्योंकि भाई अंधेरा होते हैं, माउस भी आ जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए टॉर्च भी लगा देते हैं। फटाफट से नीचे जाते हैं अभी। तो भाई ये हम लोग आ चुके हैं अभी डीप स्लेट पे, तो डीप स्लेट से भी नीचे जाना होगा। अभी जो है ना मेरा जो है ना अभी 2 चल रहा है, -2 पे हम लोग गए, हम लोग को भाई बहुत नीचे जाना है,
भाई साहब पहला डायमंड मिल गया अपने को भाई, ये काफ़ी सही है। अभी तक का मैं माइनस 50 पे गया भी नहीं हूँ, मेरे को डायमंड मिल गया। तो ये भाई न्यू अचीवमेंट अनलॉक हुई भाई, ये काफ़ी कूल है। अगर मेरे पास अभी जो है इधर इस पे क्या कहते हैं फॉर्च्यून होता ना, और भी वजह आ जाते यार, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग यार लाइक कर दो तो फॉर्च्यून भी आ जाएगा। और भाई सही है भाई, अगर आपको ये सर्वाइवल सीरीज पसंद है तो साथ में भाई सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, ताकि डेली वाली वीडियोस आप देखते रहे। तो भाई अभी चलते हैं ना, अभी और भी नीचे जाना है। चलो भाई इसको खोदो, इसके बाद बस ख़त्म होने वाला है ऑल बोर्ड्स। भाई ये क्या है भाई, मिल गया मेरे को। अभी हम लोग जो है ना 44 पे, अगर और भी नीचे जाऊँ तो और भी मिल सकते हैं, लेकिन भाई चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नीचे जाना बनता है यार, देखते हैं ना अगर नीचे और भी मिल जाए। ओ भाई इसी की बात कर रहा था, अगर इसी तरह मेरे को रास्ते रास्ते में अगर मिल जाए तो काफ़ी कूल लगेगा भाई। वैसे है नहीं, काफ़ी कूल नहीं, बिल्कुल बकवास लगेगा। तो भाई क्या पता साइडों में मेरे को और भी मिल जाएगा। मैंने कभी कभार सुना है ना कि अगर एक जगह डायमंड मिल जाए उसके आसपास को तो उसमें मतलब और भी मिलते हैं, चांसेस है, मतलब कह नहीं रहा कि होते हैं। चलो 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 बस ऑलमोस्ट इसके नीचे। भाई इधर नहीं है यार, क्यों नहीं है इधर? अभी मैं क्या करूँ भाई इसका, भाई मेरे को मिल ही नहीं रहे, और वही मिले बाकी मिले ही नहीं है। भाई फटाफट से जल्दी खोदो यार, जितना हो सके उतना खोदते। बेडरॉक तक तो अवलक पहुँच चुके हैं, बिल्कुल मैं बेडरॉक के ऊपर हूँ। अगर बेडरॉक टूटता ना तो नीचे मैं सीधा वोड में जाके गिर जाता वो, और फिर पर ग्राम तो वड़ना ही था। तो फटाफट से भाई आराम आराम से कूदते हैं, क्योंकि भाई इधर मॉब तो स्पॉन नहीं होते ना भाई, ये अच्छा है। चलो चलो भाई यहाँ पे भी नहीं है यार, क्या करूँ मैं इनका यार, कुछ भी ढंग का नहीं देते मेरे को यार। इधर भी नहीं है यार, ये क्या है भैया? ओके यहाँ पे भाई लावा था जो मेरे सर के ऊपर ही था भाई। चलो कोई बात नहीं, ये वाला सही है, इसको खोदो भैया, ये काफ़ी सही है। माइनिंग करो तो मिल सकते हैं अगर इस तरह, मतलब स्ट्रिप माइनिंग पहले करो और उसके बाद भाई स्ट्रिप माइनिंग ही करो ना पहले, मतलब सीधी माइनिंग करो स्ट्रेट, और उसके बाद देन थोड़ी बहुत जो ना स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर दो तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलता। तो भाई लेट्स गो भाई, इसको फटाफट से करते और निकलते भाई, मैं तो काफ़ी थक गया हूँ। तो फटाफट से भाई ऊपर वाले भी कूदते हैं ना भाई, ऊपर वाले नहीं कूद रहा, क्या पता ऊपर हो मेरे सर के, नीचे हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो सब चारों साइड मतलब कूदो, ऊपर नीचे जो भी आपको मिले, जहाँ भी मिले तो उनको कूदो भाई, ये काफ़ी सही रहता है भाई। चलो यहाँ पे भाई नहीं है भाई, इधर नीचे देखते भाई यार, ये काफ़ी तंग कर दिया, मैं कितना पीछे से आ रहा हूँ। आप लोग को अगर मैप में दिख रहा होगा जितने रेड रेड चीज़ें हैं ना, ये पीछे इतना मतलब मैं पीछे कोद के आया हूँ। ओ ये देखो आयरन मिल गया, लेकिन मेरे को अभी तक का जो है ना वो नहीं मिला, क्या कहते डायमंड नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये भी रख लेते हैं अगर पिकेक्स बनाने की ज़रूरत हुई तो, क्योंकि ये मेरी तीसरी पिकेक्स है और मैं तोड़ रहा हूँ लगातार इसको। चलो भाई जल्दी कर दो यार, मैं तो थक गया हूँ यार, यहाँ से निकलो यार भाई, जल्दी जल्दी कर दो यार, अगर हुआ तो सही, नहीं हुआ तो फिर मैं चला जाऊँगा भाई फटाफट से यार, को दो भाई। नहीं है यहाँ पे नीचे, अगर हुआ यार अबे इधर तो बेडरॉक ही आ गया, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे इधर तो मैं चेक कर चुका था, मेरे को यहाँ पे मिला है, क्या पता इसके इधर भी हो भाई। प्लीज़ कह दो कि यहाँ पे यार, इधर भी नहीं है यार, क्या करूँ मैं ऊपर, इधर तो मैं कूद चुका हूँ, कह भी रहा हूँ फिर भी नीचे देख रहा हूँ और कह रहा था ऊपर। चलो भाई इधर भी भाई कुछ नहीं, ऊपर भाई प्लीज़ कह दो ऊपर है, बस लावा ना आ जाए, क्योंकि दो दफ़ा मैं बच चुका हूँ। ओके ऊपर भी नहीं है भाई, ये भी हो गया। तो चलो देर भी को भाई निकलते हैं यहाँ से भैया, रुको क्या पता हो, आई होप भाई हो जाए भाई। चलो फिर से स्ट्रेट माइनिंग शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यार मेरी लाइट थोड़ी चली गई थी, अभी जो है ना जस्ट लाइट आई है और मैंने फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो फटाफट से भाई चलते, अभी जो है ना बस मेरे को जितना चाहिए था, मेरे को डायमंड्स तो मिल चुके हैं भाई। चलो फटाफट से अभी विलेज के साइड, बाकी बातें कल करेंगे भाई, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका हूँ और ऊपर से लाइट भी जा रही है आ रही है, तो इसलिए भाई निकल लेते हैं भाई। विलेज पीछे है हो रहा भाई, इतना सही बनाया कि दूर से भी दिख जाए भाई, अगर घूम भी गया तो कोई बात नहीं हुई, मैं फिर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे स्पॉन के किस साइड विलेज है और किस साइड नहीं है, क्योंकि मेरे को भाई पता चल चुका है ना, इसलिए कह रहा हूँ, वरना तो फिर से आना होगा। तो लेट्स गो भाई, अभी चलते सीधा भाई, ये देखो लावा पुल के ऊपर से जा रहा हूँ, लावा पुल मेरे को भी डायमंड मिल गए। तो चलो भाई रुको, अभी जो है ना इसको दोनों हाथों में उठा लेते हैं, क्या कहते हैं अपने डायमंड्स को, इसको भाई आधा करो और आधा इधर रख देते हैं भाई। क्या गिराऊं भाई, ये कॉपर गिरा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं। चल निकल भाई बाहर निकल। तो
तो चलो भाई ये देखो भाई इधर दो दो हाथ में डायमंड्स। चलो गाइज ये थी आज की वाली वीडियो, आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया यार लाइक कर दे वीडियो को, जो भी चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे प्रेस कर देना भाई। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग को आज की वाली वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो कि नहीं। और बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।